श्री राम इंद्राय नमः। आप देख रहे हैं हाइने के साथ, सॉरी लकड़बग्घे के साथ, ये जंगली बकरियां भी किस अमन चैन से रहती हैं, यह इनकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। दोनों शाकाहारी हैं और दोनों को प्रेम से रहने में कोई हर्ज नहीं है। इस प्यार और यराने को हमने आपके पास भेजा है। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको भेड़ बकरियों और हाइनास, बल्कि हाइनास नहीं, लकड़बग्घे का श्री राघव आपको आप देख आनंद देता रहे। जंगली तीनों शाकाहारी हैं, बकरियां भी शाकाहारी हैं, ये भेड़ भी शाकाहारी हैं, ये भेड़े हैं और हाइना जंगल में रहती हैं। बारहशीले भी एक दुनिया है, शाकाहारी हैं और इनकी खूबसूरती को देखिए। ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। और एक बार डॉक्टर एस के सिंह चैनल जय श्री राम, ये इन्हों को सब्साहिर समझ के कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। जो आने वाले इनके पास क्षमता है, पशुओं की आवाज़ आपके सामने आया हूँ, जब आवाज आपको मिलती रहे से आपका सब्सक्राइब से हाइना से टक्कर ले लें। पशुओं की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, इनकी सिंहों की मार सरकार इनके रख रखाव कम खतरनाक दे सकती है। आप मेरे जैसा कि चैनल को तस्वीरों में दिखाया है, ये भेड़ मजबूती प्रदान कीजिए, बहुत ही ताकतवर होती हैं। लाइक कीजिए आप और सब्सक्राइब। जानवरों के प्रति नरम दिल रहना चाहिए, जो कि क्योंकि हमें ये बेहतरीन वूल देती हैं, मेमल्स की हम आवाज़ बन सकें। और डॉक्टर एस के सिंह चैनल जय श्री राम आपके पास, आपका हमें इंतजार रहेगा। जंगली भेड़ों का और वाइल्ड एनिमल्स का वीडियो लाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं इनकी आवाज़ बन करके वीडियो लाते रहूँगा। क्या हमें सहयोग दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भेड़ें सप्लाई होती हैं सेना में भी, जहाँ इनके मांस को खाया जाता है। कर्नाटक के लोग भेड़ों को बहुत खाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इनको आवाज़